कोरोना काल में मरीजों को जितनी जरूरत दवाओं की होती है, इमरजेंसी के दौरान उतनी ही जरूरत एम्बुलेंस की भी होती है। एम्बुलेंस सेवाएं मरीजों को उचित कीमत में उपलब्ध हो सके, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा आदेश भी जारी किया था। लेकिन आज तक के स्टिंग ऑपरेशन से यह खुलासा हो रहा है कि एम्बुलेंस सेवा देने के नाम पर अंधेर गर्दी करने वालों का इससे कोई खौफ नहीं है। एक तरफ कोरोना का प्रचंड प्रहार है तो दूसरी तरफ सिस्टम के आगे मरीज बेबस हैं। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में आपने देखा एम्बुलेंस सेवा के बदले खुलेआम लूट हो रही है। 50,000 रुपए तक मरीजों से मांगे जा रहे हैं। ये तब है जब देश की सबसे बड़ी अदालत ऑर्डर दे चुकी है कि एम्बुलेंस सेवा के बदले किराया फिक्स होना चाहिए। सबसे पहले 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पांच बड़ी बातें आपको बताते हैं। बड़ी बात नंबर एक, राज्य सरकारें एम्बुलेंस का किराया फिक्स करें। बड़ी बात नंबर दो, एम्बुलेंस सेवा की रेट लिस्ट को मॉनिटर करें राज्य। बड़ी बात नंबर तीन, राज्य देखें मरीजों से ज्यादा रकम न वसूली जाए। बड़ी बात नंबर चार, तय रेट पर ही मरीजों को एम्बुलेंस सेवा मिले। बड़ी बात नंबर पांच, ज्यादा किराया वसूलने वालों पर एक्शन। महामारी के संकट के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ संदेश राज्य सरकारों को दिया है कि किसी भी सूरत में मरीजों से ज्यादा किराया न वसूला जा सके। लेकिन दिल्ली से लेकर नोएडा तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि एम्बुलेंस सेवा देने वाली एजेंसियों पर राज्य सरकार शिकंजा कसने में पूरी तरह नाकाम है। यहां आपको ये समझना है कि दिल्ली में एम्बुलेंस की रेट लिस्ट है। अमूमन नॉन कोविड पेशेंट के लिए दिल्ली के किसी भी इलाके से गुड़गांव की बड़ी वेंटिलेटर आईसीयू प्राइम एम्बुलेंस के 8,500 रुपए लगते हैं, वहीं कोविड पेशेंट के 12,000 रुपए, जिसमें ड्राइवर हेल्पर की पीपीई किट सैनिटाइजेशन का खर्चा जुड़ जाता है और इसका बिल भी मिलता है। लेकिन ये सिर्फ कागजों पर है, जमीन पर मरीजों से 40,000 से लेकर 50,000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। दिल्ली से गुड़गांव तक एम्बुलेंस का किराया लगभग 7,000 से 8,000 रुपए लगता है, लेकिन आज की डेट में कोविड के कारण हमें कोविड गाइडलाइन का पालन करना पड़ता है, तो ड्राइवर को, टेक्नीशियन को, डॉक्टर को पीपीई किट बनानी पड़ती है और ऑक्सीजन भी काफ़ी ज़्यादा लगती है इसमें पेशेंट के साथ में। तो ये सब चार्जेस इंक्लूड करने के बाद में लगभग आज हम दिल्ली से गुड़गांव का 11,000 से 12,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, जिसका कि हम पेशेंट को बिल भी देते हैं। राज्य सरकार एम्बुलेंस की रेट तय करती है, लेकिन ये सिर्फ खानापूर्ति जैसा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में एम्बुलेंस सेवा देने वालों की मनमानी चल रही है। मरीज लुट रहा है और सरकारें आंख कान बंद करके बैठी हैं। सवाल यह है कि आखिर राज्य सरकारें क्यों नहीं जाग रही हैं? आखिर कब तक सरकार के लापरवाह सिस्टम की मार से मरीज कराहते रहेंगे? यानी एम्बुलेंस वाले मस्त हैं और मरीज पूरी तरह फंस। नितिन जैन के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला, आज तक।